बस मेरे बेटी का जो चेन है वो मैं नहीं बेचूंगी, मेरी बेटी का गला मैं खाली नहीं कर सकती। ये रिशु का चैन है ये। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि चूँकि ठंडी और गर्म, क्योंकि दो दिन से कंटिन्यू घर घर देख रही हूँ और एक वीडियो में डाली हूँ आज ही, तो आप लोग देखे हो तो उसमें जो घर है ना वो काफ़ी अच्छी है। एंड देन अभी घर देखते देखते मैं दो घर और देख डाली, और अभी आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, मतलब इतनी अच्छी घर मुझे मिली है ना, इतनी अच्छी डील है ना, मतलब मैं जब घर से निकली थी ना, मैं बजरंगबली के ऊपर छोड़ दी थी। मैं बोली बाबा अब आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, अब आप ही हो जो मुझे घर दिलाओगे, मैं आपके ऊपर छोड़ के घर से निकल रही हूँ, ऐसा बोल के मैं निकली थी, पता है आप लोग को, और आप बिलीव नहीं करेंगे। जो घर मुझे बहुत पसंद आया था, जो वीडियो में डाली हूँ, वहीं पे एक भैया ने मुझे मतलब वो कोई दूसरे ब्रोकर है, उसी एरिया में उसी जगह पे और एक दूसरा घर मुझे दिखाए हैं, और हम लोग कल ही पापा से बात कर रहे थे, पापा अगर वो घर ले लेते हैं तो जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा तो हम लोग ऊपर में फर्स्ट फ्लोर बना लेंगे, तो वहाँ पर मम्मी आके रहना हमारे साथ, मतलब बहुत सारी बातें हुई थी, आप लोग समझ सकते हो घर में मतलब क्या क्या बातें हम कर सकते पेरेंट्स के साथ। और आज बाबा को बोल के मैं निकली थी, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मुझे उसी प्राइस में मतलब 32 लाख में मुझे मतलब 3 BHK घर मिला है, और मतलब ऊपर में टू मतलब दो दो आपका बेडरूम और एक हॉल रूम है, दो अटैच लेट बाथ है, दो बालकनी है दोनों साइड, और नीचे आपका 1 BHK है, और इतना अच्छा घर मिला, पूरा खुला खुला खुला, अगर लाइट भी नहीं रही ना चारों प्रकाश की कमी नहीं होगी, और पूरा मॉड्यूलर घर है आपका, किचन विचन हर एक चीज, मतलब वो उससे उस घर से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब सच्चे मन से कोई भी काम करो ना, भगवान साथ देते हैं, और भगवान मतलब हमेशा, बाबा ने हमेशा मेरी बहुत मदद की। मैं पूरा सब कुछ उनको छोड़ के घर से निकली थी, बस अब घर फाइनल हो चुका है मेरा, मैं बस वो एक घर नहीं देखी हूँ, और मैं बोली भैया आपके पास जितना घर है मुझे सब दिखा दो। अब पूरा घर का तो मैं मतलब वीडियो, मेरा फ़ोन का मेमोरी फुल हो चुका था जिस कारण से मैं घर का वीडियो नहीं बना पाई, आप लोग को बहुत पसंद आता, आप लोग मेरी फैमिली है, आप लोग से मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप सभी ने मेरे अच्छे बुरे हर वक्त में मेरा साथ दिया है, हर तरीके से, भले वो मेंटली साथ हो, फाइनेंशियली हेल्प हो, आप सभी ने हमेशा मेरा दिया है, तो इसलिए मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो कल जाऊंगी मैं, कल मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कल गोल्ड बेच कर जो पैसा मिलेगा वो पैसा कुछ एडवांस उसको देना पड़ेगा मुझे, एक टोकन मनी होती है वो देनी पड़ती है, फिर कुछ डाउन पेमेंट मुझे देना पड़ेगा। तो आज तक मैंने कभी भी आप लोगों को मेरा गोल्ड नहीं दिखाया है, आज पहली बार है आप लोगों को, आप लोग देखोगे मेरे पास गोल्ड का क्या क्या मतलब कलेक्शंस है, और इसके पहले नहीं भी दिखाए थे, उसके पीछे भी रीज़न था, क्योंकि मैं अकेली बेटी को लेकर रहती थी, तो पता नहीं कब कहाँ से क्या दुर्घटना हो जाए, कोई मेरे घर भैंस के आके मेरा सोना लेके चले जाए, तो मैंने कुछ कुछ पैसा सेविंग करके गोल्ड बनाया हुआ था, बस कभी ना कभी तो काम में आएगा, बेटी की शादी में काम में आएगा, या फिर मतलब कोई मुसीबत का टाइम आएगा, तो आज वो टाइम है कि मतलब मेरे पास जितना है एक भी मैं कुछ बचाई नहीं हूँ, बस आप लोगों को मैं दिखाती हूँ क्या क्या है मेरे पास, ये सारा मैं बेचने वाली हूँ, बहुत मुश्किल से बनाई हूँ मैं ये, और ये इतना ही सोना है मेरे पास, बट क्या क्या आप लोगों को दिखाती हूँ, बस मेरे बेटी का जो चेन है वो मैं नहीं बेचूंगी, मेरी बेटी का गला मैं खाली नहीं कर सकती। ये रिशु का चैन है, ये रिशु का चैन है, और ये है लॉकेट लक्ष्मी माता का, तो इसको मैं नहीं बेचूंगी, बाकी सब सेल कर दूंगी मैं, तो आपको दिखाती हूँ। ये एक रिंग है मैं बनाई थी, ये हैवी है बहुत, ऐसा लग रहा है हल्का होगा बट ये हैवी है, तो इसको मैं बनाई थी 1 साल पहले, उस समय सोना का रेट कम था, ये बना था 14,000 में, तो अभी तो सोना का रेट शायद 70 के आसपास चल रहा ना, उस समय 54 ऐसा कुछ था, तो शायद कुछ तो 15,000 तो मिलेगा मेरे को इसका, तो मैं मतलब पूरा हिसाब कर ली हूँ, ये एक आपका एक अंगूठी हो गया, बस रिशु का चेन ही छोड़ूंगी, बाकी सब
बेच दूंगी जितना भी है। और ये आप लोगों को हमेशा मुझसे पूछते थे ना सुई धागा इयररिंग के बारे में, मेरे बहुत फेवरेट है मगर मैं पहनती नहीं थी ये सुई धागा इयररिंग, ये गोल्ड का है पूरा। कभी पैसा रहा कमा ली तो बना लूंगी, इसमें क्या है, बुरा लगता है कोई चीज शौक से बनाओ तो, घर भी तो शौक का ही है ना। ये छोटू सा है सामने और ये बहुत बहुत प्यारी इयररिंग है, ये भी बेचने से कम आपका 20,000 मिल जाएगा। आज आप लोग को सब दिखाऊंगी, आज मौका है। ये एक इयररिंग है, ये बेचने से ज़्यादा मिलेगा नहीं, कम से कम 5,000 तो मिलेगा। ये एक है हार्ट शेप में, ये दो इयररिंग है, ये है हार्ट शेप में। और एक चीज़ मैं बनाई थी, ये देखो, ये सोना है, आप लोगों को कैसे दिखाऊं, शायद कैसे दिखे। और ये काला काला इसलिए है क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर को दिखा रही थी तो उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताया था कि मतलब कोई कितना भी ग्राम हो सकता है, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम आप सोना ले लो, सोना लेके ना उसको रोज हीट करना, हीट करके वो दूध या पानी में पीना, तो कुछ उपाय उन्होंने बताया था मुझे, तो वो करने के लिए मैं ही ली थी। तो देखो आज ये मुझे काम में आ रहा है। तो ये है आपका 2 ग्राम का है, ये 2 ग्राम का, तो ये आपका 2 ग्राम मतलब 1 ग्राम 5,000 नहीं 6,000 तो मान के चलिए, इसका मेरे को 10,000 मिल जाएगा। नहीं, इसका तो मुझे पूरा पैसा मिलेगा, पता है क्यों, क्योंकि इससे कुछ बना नहीं है तो इसका मेकिंग चार्ज नहीं कटेगा, ये सिर्फ गोल्ड है, बस गैस के ऊपर जलाती थी तो काला हो गया। ये भी मेरे यूट्यूब के मेहनत के पैसे हैं, आज उसी पैसे से मैं अपना घर खरीदूंगी। और ये आपका 10 ग्राम का है, ये आपका 10 ग्राम का है। बहुत सुंदर इयररिंग है, गोल्ड का है। कुछ खोना मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। अब आप लोग बोलेंगे मैं रो रही हूँ, दुख होता है पता है, लेकिन अब जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो मुझे ये सब चीज़ें जो है ना, ये मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छी लगती है, जैसे हाथ में गोल्ड पहनना, फिंगर रिंग में, देखिए मैं रिंग विंग पहनती, पहले ऐसा था कि मेरे आप लोगों को पता होगा पूरे 10 उंगली में पहनती थी, पापा दिए थे घर से शादी में तो कितना सारा रिंग मिलता ही है, पापा दिए थे बहुत सारा, तो पहनती थी, फिर बीच में ऐसा था कुछ नहीं पहनती थी, पैसे वैसे नहीं थे तो धीरे धीरे अब बनाने लगी। तो ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन है, ये पूरा गोल्ड का बना हुआ है ना, इस तरीके से बहुत कनेक्टेड। मैं आज तक आप लोगों को दिखाई नहीं हूँ बट आज दिखा रही हूँ, ये निकलेगा यहाँ से गोल्ड, ये पूरा ये जो शाखा पौला, ये हम बंगाली में ये सुहागन की निशानी होती है, अगर कोई शादीशुदा है वो पहनता है ये। ये आपका पूरा ओरिजिनल शंख है ना, ये देखिए
प्लास्टिक निशंक है ये, और इसमें पूरा गोल्ड, ये पूरा गोल्ड करके गोल्ड, जस्ट लाइक एक बैंगल जो होता है ना, बैंगल तरीके से है। तो इसको बेचने से शायद मुझे 1 लाख मिलेगा, आइडिया नहीं है मुझे 1 लाख मिलेगा कि नहीं इसको बेचने से। इसको बेचने का मन नहीं कर रहा है बताओ तो, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसको ना रीशू के लिए रख दी थी। आप लोग सोचोगे रीशू पता नहीं कब बड़ी होगी, कब शादी करेगी कि नहीं, बट रीशू के लिए बना के रख दी हूँ। मैं इसको ना रीशू के लिए रखी थी पता है, मैं बोली नहीं मैं इसको रख दूंगी रीशू के लिए, जब वो बड़ी होगी उसका शादी का होगा जो भी होगा, तो हाथ का साइज छोटा बड़ा होता है, तो इस टाइप का डिजाइन का बना दूंगी मैं इसको। तो इतना ही है मेरे पास गोल्ड और नहीं है। और जो आप लोग को दिख रहा है मेरे नाक में, कान में, ये फिंगर विंगर में, यही सब है। तो फिंगर रिंग ऐसा है कि फिंगर रिंग तो मैं ये जो है इसको खोलूंगी नहीं, क्योंकि मेरा हाथ अगर खाली ऐसा रहता है ना, रिंग विंग नहीं रहता ना, मैं मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत लो फील करती हूँ मैं। जैसे हाथ में अगर रिंग विंग, पता नहीं मैं ऐसे क्यों, मेरे को नहीं पता, हाथ में रिंग वगैरह पहनती हूँ ना तो कॉन्फिडेंस ना मेरे अंदर ना मतलब ऐसा भर जाता है कि नहीं। जैसे होता नहीं हम लोग को जैसे बाल में तेल लगा के बाहर नहीं निकल सकते, खुद में कॉन्फिडेंस लो लगता है, चंपू चंपू फील होता है, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर रिंग वगैरह पहनती तो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा, समझ भी नहीं आता पता नहीं क्यों। और जो एस्ट्रोलॉजर है, जब मैं उनसे मिली थी उन्होंने मुझे कहा था कि आप जितना हो सके उतना गोल्ड पहनो, जितना हो सके, क्योंकि आप जितना गोल्ड पहनोगे, जितना गोल्ड बनाओगे आपके लिए अच्छा है। और एस्ट्रोलॉजर ने यही मुझे बोला था कि आपके पैसा, आपके पास एक भी नहीं बचेगा, सब खर्च हो जाएगा, इसलिए आपको मैं उपाय बताता हूँ, आप गोल्ड बना के रखो, कभी भी पैसे आते गोल्ड बनाओ। तो इसलिए मेरे पास पैसे बचते नहीं है, मतलब जितना भी कभी होता ना कि हाँ इतना पैसा मेरे पास है चलो गोल्ड बना लेती हूँ, तो फिर ना मैं गोल्ड बना लेती थी। तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ऐसा है मेरे पास। होता है, पापा को बोल रही थी तो पापा बोले कि रिटायरमेंट के बाद तुमको बना के दे दूंगा। खुद के पैसे का लिया हुआ है सामान, खुद का पैसे का होता है, मतलब इतना ज्यादा थकी हूँ ना अभी फिजिकली। अभी 5 मिनट रेस्ट करूँगी, और जो जो घर मैंने फाइनल किया है, मैंने फाइनल किया है, बस अब बारी है बस अमाउंट जमा करने की। ये सब बेचूंगी तो शायद मेरे पास 1.5 लाख तक आ जाएगा ना, 1.5-2 लाख तक आ जाएगा ना, 1.5-2 लाख तक आ जाएगा मेरे पास। और मेरे पास कपड़े वगैरह है तो उसका, उसको लेके मैं शायद कल आऊंगी लाइव, ठीक है। तो आप लोग कम कीमत में मैं बेच दूंगी, आप लोग प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर करना अपने आसपास और अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, मैं ताकि मेरे पास कुछ पैसे, जैसे मान के चलिए मेरे पास अगर 20 साड़ी है तो कम से कम उसका अगर 10-20 सेल होता है तो कम से कम मान के चलिए 5,000 तो कुछ तो आएगा ना मेरे पास, तो वो आएगा, वो हो जाएगा। और आप लोग से मुझे सच में फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करिए और लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें और उसको और शेयर करती है। और अगर मेरे व्यूअर्स में अगर कोई है जो मुझे लोन देना चाहता है, कम से कम 2 लाख तक का लोन अगर मुझे दे देंगे तो मैं ज़िंदगी भर आवारी रहूँगी, मैं 1-1 रुपये मैं उनको लौटा दूँगी। आज पहली बार मैं मुंह खोल के यहाँ पे बोल रही हूँ, पहली बार मुंह खोल के, क्योंकि ऐसे बैंक से तो मैं लोन अभी नहीं ले सकती, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मेरा जो सरनेम, मेरा जो आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड में मेरा सरनेम मायके का सरनेम रखा है, ससुराल वाले ने मेरा आधार कार्ड में सरनेम तक चेंज नहीं किया, मेरा आधार कार्ड तक चेंज नहीं किया, मेरा जो आईडी है वो चेंज नहीं किया है। और मतलब अभी ना मेरा जो मेन अगर कहा जाए एक आइडेंटिटी है वो मेरे मायके की साइड से ही है, शादीशुदा हो मैरिड हो उस पर हूँ, लेकिन उसका मतलब जो ना आधार कार्ड ही मेरा बनाया नहीं है, तो बहुत सारा चीज ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस कारण से मुझे तो लोन नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग मेरे को कम से कम 2-3 साल से देख रहे हो, ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ, और अगर ट्रस्ट करते हैं आप लोग में से कोई भी मुझे ट्रस्ट करता है तो आप मुझे दे सकते हैं,
लेकिन इतना है कि मैं अगर किसी से लेती भी हूँ तो मैं नहीं दे पाऊंगी तुरंत तुरंत। मान के चलिए अगर मैं किसी से 2 लाख रुपए लोन ले रही हूँ, हो सकता है कि मैं उनको 2 साल बाद ही वापस कर पाऊँ। थोड़ा 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 अमाउंट जमा करके 2 साल तो मुझे आराम से लग जाएगा, क्योंकि मुझे हर महीने का 15,000 रूम रेंट भी पे करना है, मतलब वहाँ का रूम रेंट बोल रही हूँ, EMI भी कटेगा वो भी मुझे देना पड़ेगा, और घर खर्च भी एक होगा ना रिशु का, मेरा रिशु अगले साल से स्कूल जाएगी, उसका भी खर्चा आएगा एडमिशन का। तो सारा चीज मैनेज करके थोड़ा थोड़ा करके सेविंग करके फिर 2 साल बाद ही मैं दे पाऊंगी। अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो प्लीज आप लोग मुझे सजेशन देना करना, क्योंकि मुझे सच में अभी आप लोग की हेल्प की जरूरत है। और बाकी तो भगवान है, वो कभी मुझे निराश नहीं किए, कभी भी नहीं। अगर उन्होंने एक चीज छीना है मेरे से, जो इंसान मेरे लिए पूरी दुनिया थी उसको छीन लिया, शायद इसलिए छीना होगा भगवान कि मेरी लाइफ आगे और अच्छा हो। आज मैं अपने आप को देखती हूँ तो फील करती हूँ, एक बैग झोला और पेट में बच्चा लेके निकली थी, पर आज घर खरीदने का सपना देख रही हूँ। सब होता पता है, मेहनत करेंगे ना, मेहनत मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ठोकर लगना बहुत ज़रूरी है। आपको ठोकर लगी तभी आप मेहनत करेंगे, और जब मेहनत करेंगे ना सब चीज़ आपके पास में होगी, सब चीज़। आज के डेट पे ऐसा है कि मैं मतलब मेरे अपने छूट गए मेरे से, मेरे रिलेटिव्स को ये लगता है कि मैं कहीं उनसे पैसा ना मांग लूँ, नहीं बात करते मेरे से, आज तक कभी मांगा ही नहीं है, नहीं पूछते फोन करके। तो आई नो बुरे वक्त पे कोई साथ नहीं देता है, लेकिन आप लोग स्टिल हमेशा मेरे साथ थे हैं, मैं जानती हूँ आप लोग हमेशा हमेशा रहेंगे, इसलिए मैं आप लोग हमेशा मेरी फैमिली बोलती हूँ। और जो भी चीज़ें होती हैं आप लोग से शेयर खोलती हूँ, मन खोल के दिल खोल के सब खोल के आप लोग से शेयर करती हूँ। अब मैं जाती हूँ, मेरा सच में बहुत सारा काम है, मेरे को भी काम ही नहीं कि घर का काम है, ये घर ले रही हूँ आप लोग समझ सकते कितना बड़ा हेडेक और टेंशन रहता है, बहुत सारा काम है। और बाई गॉड अगर घर में ले ली ना, सारा केस मैं उठा लूंगी, शांति से अपना जीवन जीना चाहती हूँ। उस नए घर में मैं पुराना कोर्ट कचहरी का काम वाम कुछ भी नहीं दोहराना चाहती, मैं लाइफ में बस शांति चाहिए। नए घर में घुसूंगी, नया घर, नई जिंदगी, और ईशो का स्कूल, मेरी लाइफ, मेरा बिजनेस, मैं फिर जॉब करूंगी, जॉब और ये ब्लॉग सबको कंटिन्यू करूंगी, खूब मेहनत करूंगी, क्योंकि आपको महीने का 15,000 घर का रेंट देके अपना खुद का घर का खर्च भी तो मेंटेन करना है ना, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और मैं मेहनत करने से आज तक अभी पीछे नहीं हटी हूँ। मेरा पेट कटा हुआ था, बेटी थी 15 दिन की, तब से मैं ब्लॉग बना रही हूँ, चलना फिरना घूमना हवा जाना हर चीज खुद की ना, आगे भी कर लूंगी। चलिए मैं जाती हूँ, और थोड़ा सा रेस्ट जरूर करूंगी क्योंकि BP थोड़ी मेरा लो चल रहा है अभी, और आज धूप छाव करते करते ना थोड़ा सा मतलब तबीयत भी डाउन लग रहा है मेरे को अभी। भगवान से आप लोग प्रे करिएगा कि कैसे भी करके बस मेरा पैसा अरेंज हो जाए, कैसे भी करके बस पैसे अरेंज हो जाए। बाकी बजरंग बली है, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, बस उन पर मुझे अटूट विश्वास अटूट श्रद्धा है कि वो जरूर जरूर मुझे घर दिलवाएंगे, जरूर।